आपका दोस्त नितिन अपलोडर। दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 185 सीटों के साथ भारी जीत हासिल की है और बाकी की सीटें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य को मिली हैं 34, 45 और 10। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने जो धमकी दी थी कि अगर बीजेपी जीत गई तो दिल्ली में डेंगू फैल जाएगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। हालांकि मैंने अपने पिछले जो है वीडियो में यह सिद्ध कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल जी खुद एक इच्छाधारी डेंगू मच्छर है। इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने फिर से ईवीएम का रोना लापा है। उन्होंने ये कहा है कि एक ईवीएम की गड़बड़ी के कारण जो है बीजेपी जीती है। इसे कहते हैं कि अगर नाचना आए तो आंगन टेढ़ा, नाचना आता नहीं है और आपने बोल दिया आंगन टेढ़ा था तो मैं नाच नहीं पाया। ये वही बात हो गई। असल में इनके पास जो है ढींगरा फोड़ने के लिए कोई इंसान नहीं है, जो कि कांग्रेस में इतने सारे मतलब की बलिदानी है जो कि राजमाता और अपने राजकुमार के लिए, शहजादे के लिए अपना बलिदान देने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अजय माकन जी ने अपना बलिदान देते हुए कांग्रेस की हार का ढींगरा अपने सर फोड़ लिया है। उन्होंने कांग्रेस की जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की है और पूरी हार की जिम्मेदारी लेकर अपने मत्थे जड़ लिया है। उन्होंने असल में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राजमाता सोनिया जी और राजकुमार सहजादे राहुल जी के लिए अपना कर्तव्य दिखाया है, अपनी जो है निष्ठा दिखाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई कर्तव्यवान जो है बलिदानी है नहीं, इसीलिए अब ढींगरा किस पे फोड़ा जाए तो चलो एक निर्जीव वस्तु, निर्जीव मशीन ईवीएम पे फोड़ दिया जाए और ईवीएम बेचारे की उन्होंने जो है वाट लगा दी और ईवीएम पे ढिंढोरा पीट दिया कि ईवीएम की गड़बड़ी के कारण जो है ये हार गए हैं। इसे ही कहते हैं कि नाचना है तो आंगन टेढ़ा। और वैसे भी दिल्ली इस बार अपनी जीत पर कोई फंक्शन, कोई उत्साह नहीं मना रही है, लड्डू पड़े नहीं बांट रही है, मिठाई नहीं बांट रही है, फटाके नहीं फोड़ रही है, क्योंकि दो दिन पहले सुकमा में छत्तीसगढ़ में जो हमारे 26 जवान शहीद हुए हैं सीआरपीएफ के, उनका गम है हमें और उनको हम जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका हमें जाने का और शहीद होने का गम भी है। इसीलिए दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी ने सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके, फेसबुक स्टेटस डाल के बोलकर ये अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेताया है कि कोई भी खुशी ना मनाए, कोई भी इस जीत पर पटाखे ना फोड़े, क्योंकि अभी हम गम में है अपने सीआरपीएफ जवानों के, आप देख सकते हैं। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी धमकी दी थी कि अगर आम आदमी पार्टी हार गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे और इस ईंट से ईंट बजाने के इनके बयान को ट्रोल करते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे सोशल मीडिया के शेयर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी ने उन्हें amazon.in के जरिए दो ईंटें भेज दी हैं। अब वो दो ईंटें बजाते रहे क्योंकि ये बजाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होगा। आप उनका ये स्टेटस और ये ट्वीट देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के पास दो ईंटें पहले से ही पहुंच चुकी है। तो डियर सर जी अरविंद केजरीवाल जी, अब आप इन दो ईंटों को बजाएं या इससे अपना सर फोड़ें, या मनीष सिसोदिया जी का, या अपने कार्यकर्ताओं का, या अपने वॉलंटियर्स का, या अपने उन सर्वे करने वाले वॉलंटियर्स का जो ऐसा फर्जी सर्वे करते हैं पता नहीं। वैसे इस बार उन्होंने सर्वे सही किया था कि बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही थी, इसलिए आपने बोल दिया था कि अगर बीजेपी जीती तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ईंट फोड़ दूंगा, बजा दूंगा और डेंगू फैला दूंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आप रायता तो अच्छा फैलाते हैं लेकिन इस बार आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रायता अपने आप क्यों फैल रहा है। आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का रायता इस बार अपने आप फैल रहा है और वो उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। भाई साहब देखिए देखिए, अरविंद केजरीवाल जी संभाल नहीं पा रहे हैं, रायता उनका रायता फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है और वो उसे पटोरने में लगे हैं। देखिए रायता फैला जा रहा है, फैला जा रहा है लेकिन अब वो उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। तो रायता इतना ज्यादा फैल चुका है कि अब वो बस के बाहर हो गया है और अब दिल्ली वाले समझ गए हैं कि बाबा ज्यादा रायता फैलाना भी अच्छी बात नहीं है। और इसी के साथ मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस के लिए, और मेरे फेसबुक पेज नितिन अपलोडर वीडियोस, मेरे ट्विटर हैंडल नितिन अपलोडर को फॉलो करें आगे आने वाले वीडियोस के लिए, और एंजॉय करें और हैव अ नाइस डे। और आप सभी की दिन और रात मंगलमय हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, जय हिंद।